आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कोरोना वायरस का फायदा उठा रहा है पाकिस्तान। हाथरस कांड में एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी रिपोर्ट, पुलिस और अफसरों की भूमिका पर उठाए सवाल। अपने अपने घरों में भारी पड़ रहे हैं सीएम गहलोत और केंद्रीय मंत्री शेखावत। भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का फायदा उठा रहे हैं। उसने साथ ही कहा कि पाकिस्तान भारत के धार्मिक समुदायों के बीच फूट पैदा करने के लिए घृणा पैदा करने वाले भाषणों का बेलगाम इस्तेमाल कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव आशीष शर्मा ने नस्लवाद, अन्य संस्कृतियों या देशों के लोगों से घृणा और संबंधित असहिष्णुता के समकालीन प्रारूपों पर विशेष प्रतिवेदक के साथ संवाद को संबोधित करते हुए सोमवार को कहा कि पाकिस्तान भारत में केवल एक समुदाय के खिलाफ ही घृणा पैदा करने वाले बयान नहीं दे रहा, बल्कि संगठनों, व्यक्तियों और शीर्ष नेताओं के खिलाफ भी ऐसा कर रहा है। उसने कहा, वैश्विक महामारी के कारण दुनिया थम गई है, लेकिन पाकिस्तान ने इस महामारी का फायदा उठाते हुए सीमा पर आतंकवाद के लिए अपना समर्थन और बढ़ाया है। हाथरस कांड की जांच को लेकर यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जानकारी के अनुसार एसआईटी की रिपोर्ट में कई अहम बिंदुओं का जिक्र किया गया। इसमें पुलिस और अफसरों की भूमिका पर सवाल उठाए गए। गृह सचिव भगवान स्वरूप ने रिपोर्ट शासन को सौंपी है। जानकारी के अनुसार एसआईटी के घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई और जिले में उपजे हालात की छानबीन की है। बता दें, हाथरस कांड के बाद लापरवाही के आरोप में जिले के एसपी, सीओ सहित अन्य जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। एसआईटी ने इस घटना से जुड़े सभी लोगों के बयान दर्ज किए हैं। बता दें कि घटना के बाद योगी सरकार ने गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया था। 3 सदस्यीय एसआईटी में डीआईजी चंद्र प्रकाश और पीएसी आगरा की सेना नायक पूनम शामिल थे। पहले हफ्ते भर में एसआईटी की रिपोर्ट देनी थी, लेकिन इसके बाद कई बार तारीखें बढ़ती गई। अब एसआईटी ने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण नगर निगम के चुनाव की हो रही मतगणना में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के दिग्गज नेताओं के गृह इलाके में उनकी ही पार्टियां भारी पड़ रही है। जोधपुर उत्तर में सीएम अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा और शहर का इलाका आता है। इसी निगम क्षेत्र में सीएम का पैतृक आवास है। यहां कांग्रेस ही तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं जोधपुर दक्षिण में यहां के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आवास है। वहां बीजेपी कांग्रेस को मात देकर आगे बढ़ रही है। जोधपुर उत्तर नगर निगम के 80 वार्डों में से कांग्रेस अभी तक 28 वार्डों में जीत का परचम लहरा चुकी है। वहीं यहां बीजेपी अभी तक महज 13 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है। यहां एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी बाजी मारी है। 8 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी। यह क्षेत्र सीएम अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उनका आवास और विधानसभा क्षेत्र दोनों है। यहां बीजेपी लाख प्रयासों के बावजूद भी उभर नहीं पा रही। अब खबर जोधपुर से। चुनाव हो या कोई भी सरकारी कार्य हो, रैली हो या कोई भी कार्य हो, निस्वार्थ रूप से काम करने में हमेशा अग्रणी रहने वाली राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड ने जोधपुर के नगर निगम चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्काउट एंड गाइड के जयश्री बोरवाल व प्रीति रोलन ने बताया कि नगर निगम के चुनाव में शहर के विभिन्न बूथों पर स्काउट एंड गाइड की टीमों ने सेवाएं दी। कोरोना काल में आयोजित चुनावों में स्काउट एंड गाइड की टीम ने मतदाताओं से कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित के लिए प्रत्येक मतदाताओं के हाथ सैनिटाइज करवाया, साथ ही मास्क पहनाने व सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील करते नजर आए। साथ ही दिव्यांग मतदाताओं व्हीलचेयर की सहायता से बूथ पर ले जाने का कार्य किया। कोरोना काल में राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड ने सराहनीय कार्य किया। चाहे मास्क वितरण हो या कोरोना के समय निशुल्क भोजन वितरण हो, हर समय निस्वार्थ रूप से सेवा करते नजर आए। आज हमारा सेवा कार्य है बुजुर्गों की सेवा करना। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड में प्रत्येक बूथ पर दक्षिणी भाग में
सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक सेवा कार्य दिया गया है और जिसमें अलग अलग बूथ पर रोवर रेंजर, स्काउट गाइड वगैरह सभी प्रत्येक सेवा देंगे। बिल्कुल, हमने हर जगह सरकारी कार्यक्रम के बहुतों पर सेवाएं दी गई है। हम लोग आज यहाँ पे स्काउट गाइड की तरफ से अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हमारा एक योगदान है। जो भी लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए, हम उन्हें सैनिटाइज करवा रहे हैं, मास्क पहनने के लिए कह रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए बोल रहे हैं। अब खबर लाठी से। पुलिस की ओर से महिला सुरक्षा व सम्मान के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन आवास के तहत सोमवार को खेतोलाई गांव में आंगनवाड़ी केंद्र पर महिलाओं की बैठक का आयोजन किया गया। सहायक उप निरीक्षक किशन सिंह ने बताया कि पुलिस की ओर से महिला एवं बालिका सुरक्षा के प्रति ऑपरेशन आवास विशेष अभियान रहा, जिसके तहत सोशल ऐप एवं नंबर भी जारी किया गया है। महिला अपराध की घटनाओं व आपात स्थिति की जानकारी पुलिस को दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि महिला एवं बालिका की किसी भी प्रकार की सूचना देने पर उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और पुलिस सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी तथा अपराध का विरोध करने की बात कही। उन्होंने महिला सुरक्षा एवं सम्मान, अधिकारों व कानूनों के प्रति सजग रहने, लैंगिक समानता, महिला अपराधों में कमी लाने, युवाओं को नारी सम्मान के महत्व को समझाने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस हर समय महिलाओं के अधिकारों की रक्षा व सुरक्षा के लिए तत्पर है। इस मौके पर राम नारायण, शंभु सिंह, हनुमान बिश्नोई, महिला कांस्टेबल बिंदु, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लीला, आशा सहयोगिनी बिंदु सहित महिलाएं उपस्थित थे। वहीं जोधपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर ने विभिन्न मांगों के लेकर जेएनवीयू कार्यालय का मेन गेट बंद करके प्रदर्शन किया। कुलपति को ज्ञापन सौंप कर तुरंत विभिन्न मांगों का समाधान करने की अपील की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री प्राण जोशी ने बताया कि विद्यार्थी परिषद द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हेड ऑफिस पर प्रदर्शन किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा कांस्टेबल भर्ती की परीक्षाओं के दिन ही बीएड की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों में संशय बना हुआ है। वो सीक्रेसी डिपार्टमेंट के अंदर जो आग लगी है वह जांच का विषय है और उसके लिए कमेटी बनाकर निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए। साथ ही बीपीएच के काउंसलिंग की अंतिम तारीख 5 नवंबर है और विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वी प्रथम वर्ष परिणाम में आए अनियमितताओं के चलते मेकअप परीक्षाएं आयोजित करवानी जानी चाहिए। कांस्टेबल परीक्षा जो कि दिनांक 6 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित की जा रही है, उसी समय विश्वविद्यालय द्वारा बीएड की परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही है। उक्त तारीखों को बीएड की परीक्षाएं स्थगित की जाए। बीए बीएससी के अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम दिनांक 5 नवंबर से पहले जारी किए जाए। विश्वविद्यालय के कला संकाय व केएन कॉलेज में विश्वविद्यालय द्वारा मनमर्जी से विषय आवंटित किए जा रहे हैं, जो कि गलत है। वह केएन कॉलेज में विषय लेने के लिए छात्राओं से रुपये की मांग की जा रही है, जिसका निवारण किया जाए। बीएससी प्रथम वर्ष के फिजिकल ग्रुप में एसएफएस के सीटें हर वर्ष की भांति पुनः चालू की जाए। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय सीक्रेसी विभाग में जो आग लगी है उसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए व दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान ऋतु बोराना, अविनाश खरा, पवन एचरा, राजवीर बांता, ओम सिंह राजपुरोहित, मयंक शर्मा, हनुमान चौधरी, निखिल उपाध्याय, विशाल गौड़, भागीरथ त्रिवेंद्र, उर्मित कृष्ण गौड़, गणेश लॉरेंस आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पुर महानगर द्वारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हेड ऑफिस पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जैसे कि विश्वविद्यालय प्रशासन दावा करता है कि 8 बजे से जो है कॉलेज कैंपस खुल जाते हैं, विश्वविद्यालय का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर कार्यभार शुरू हो जाता है, पर अभी 11:30 का समय हो रहा है, ना कुलपति खुद आए हैं। अगर ये व्यवस्था रहेगी तो फिर स्टूडेंट की जो समस्या है उनका समाधान कौन करेगा। आज विश्वविद्यालय द्वारा जो धांधली की जा रही है, जो बीएससी मैक्स के अंदर जो एसएफएस की सीटें शुरू की जा चुकी थी, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्राइवेट कॉलेजों से घूस खा करके और जो है उनको एसएफएस की सीटें बंद कर दी गई। जो विद्यार्थी ने एसएफएस का सीट लेकर जेएनयू के अंदर एडमिशन लेना चाहता था, अब उसको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ रहा है, जो कि प्राइवेट कॉलेज जो फीस का एक हिस्सा है वो कुलपति को या जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रशासन को देता है। इसी के साथ में जो कांस्टेबल भर्ती के एग्जाम है, जिसके अंदर विश्वविद्यालय को अच्छे से ध्यान है कि कांस्टेबल भर्ती के एग्जाम 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक कराए जा रहे हैं,
इसके बावजूद भी विश्वविद्यालय द्वारा बीएड की परीक्षाएं सेम डेट को रखाई गई है। तो इश्यू को लेकर विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि इनकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो आगे की जाए। इसी के साथ में बीई प्रथम वर्ष के अंदर जो रिजल्ट के अंदर संशय पैदा हुआ था, तो विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि आज तक इतिहास में कभी भी मेकअप परीक्षाएं जो है प्रथम वर्ष की वो कभी भी नहीं कराई गई। तो विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि बीई फर्स्ट प्रथम वर्ष का जो रिजल्ट आया उसकी मेकअप परीक्षाएं जो है वह आयोजित विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो विश्वविद्यालय का गलती से हुआ है या जानबूझकर जो विश्वविद्यालय ने सीक्रेसी विभाग के अंदर जो आग लगी थी, जिसके अंदर शिक्षक भर्ती घोटाले के जो डॉक्यूमेंट थे, इसी के साथ में जो पूर्व छात्र नेता थे उनके जो मार्कशीट वगैरह है, उन सब का लेकर मुद्दा जो है वो मार्कशीट और वो डॉक्यूमेंट जो है वहाँ से हटा दिए गए। तो विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर ये दबाव है कि वह एक जाँच कमेटी बनाए और जाँच कमेटी बनाकर निष्पक्ष जाँच जो है वो इसके ऊपर कराई जाए। प्राण जोशी। और अब खबर जोधपुर के तीवरी से। तीवरी तहसील के निकटवर्ती गांव बड़ा कोटेचा में कोरोना जागरूकता अभियान के अंतर्गत यज्ञ, मास्क व काढ़ा वितरण प्रोग्राम का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम संयोजक दिनेश पैनीवाल ने बताया कि बदलते मौसम व बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए युवाओं द्वारा यह आयोजन रखा गया। इसमें गायत्री ट्रस्ट परिवार के सदस्य डॉक्टर विक्रम सिंह, भगवान राठी व उनकी पूरी टीम द्वारा यज्ञ करवाकर गांव में सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। इस अवसर पर पधारे लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाकर सभी को कोरोना बचाव हेतु मास्क वितरण कर उनसे सावधानी बरतने के बारे में बताया गया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच जैनाराम गहलोत, पूर्व सरपंच दुर्गाराम कटारिया, उप सरपंच लक्ष्मण राम नायक, समाज सेवी नरपत सिंह कोटेचा, अचलाराम कच्छा व मदन सिंह कोटेचा, भवरलाल छंगाणी, संत गुलाबदास व कई ग्रामवासी उपस्थित थे। अब खबर जोधपुर के ओसिया से। ओसिया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत चंडालिया सरपंच संजू बैरड ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में स्वच्छता अभियान चलाकर पंचायत भवन की खुद झाड़ू लगाकर सफाई की। इस कार्य की शुरुआत उन्होंने स्वयं अपने हाथों से सबसे पहले झाड़ू से कचरा एक जगह एकत्रित किया। सरपंच संजू बैरड ने कहा कि जागरूक लोगों के सहयोग से सफाई अभियान को नियमित रूप से जारी रखेंगे ताकि प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन आसानी से पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि साफ सफाई से न केवल गांव का सौंदर्यकरण होता है बल्कि बीमारियों के फैलने पर भी अंकुश लगता है, इसलिए हम सबको इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। अब खबर जैसलमेर से। केंद्र सरकार के फिट इंडिया अभियान के तहत सीमावर्ती जिले जैसलमेर में 200 किलोमीटर वॉकथन का शुभारंभ भारत पाक सीमा के पास से नाथू का कुआ गांव से किया था, जिसका आज मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के 1458 आरडी के पास समापन हुआ। गौरतलब है कि इस वॉक का आयोजन भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस की ओर से किया गया, जिसमें आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात पुलिस के अधिकारियों और जवानों सहित अन्य कई पैरामिलिट्री फोर्सेस के लगभग 93 जवानों ने हिस्सा लिया है। वॉकथन दल ने इस दौरान ग्रामीणों और विशेषकर युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया मिशन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया ताकि वे स्वस्थ रहकर देश के विकास में भागीदारी निभा सकें। इस वॉक के दौरान ये दल रेतीले धोरों, कच्चे रास्तों और सड़क से होता हुआ दिन रात चलकर सोमवार को तीसरे दिन 200 किलोमीटर की दूरी तय कर दोपहर बाद अंतिम बिंदु 1458 आरडी पर पहुंचा, जहां मोहनगढ़ कस्बे के ग्रामीणों तथा विभिन्न सुरक्षा बलों के अधिकारियों व जवानों ने दल का स्वागत किया। इस वॉक में आईजीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल ने भी हिस्सा लेकर प्रतिभागियों का हौसला अफजाई किया। बता दें कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय खेल मंत्री, राज्य मंत्री किरण रिजिजू और बॉलीवुड अभिनेता और यूथ आइकन विद्युत जामवाल ने किया था। जोधपुर जिले के पंचायत समिति धवा के ग्राम पंचायत लूणावास खारा में नव निर्वाचित सरपंच भंवर कंवर निर्वाचित होने के बाद सरकारी विभागों की उदासीनता को लेकर काफी सख्त नजर दिख रहे हैं। सरपंच के निर्देश पर प्रतिनिधि किशन सिंह ने सरकारी विभागों में अनियमितता को लेकर पिछले लंबे समय से सरकारी विभागों के बंद पड़े क्षतिग्रस्त भवन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण के दौरान दरवाजे टूटे हुए पड़े मिले, चिकित्सा विभाग के कई उपकरण बिखरे हुए मिले, उप स्वास्थ्य केंद्र में कचरे के ढेर लगे हुए थे जिसकी काफी लंबे समय से कोई सफाई नहीं हुई थी, सामान अस्त व्यस्त व बिखरा हुआ था। उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र का जायजा लिया जहां पर कोई कर्मचारी व बच्चे नहीं थे।
आंगनवाड़ी केंद्र पर होने पर सरपंच प्रतिनिधि ने नाराजगी जताई। सरपंच प्रतिनिधि ने अधिकारियों से मांग की लुणावास खारा उप स्वास्थ्य केंद्र पर ANM को जल्द लगाया जाए तथा आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी कर्मचारियों को समय पर खोलने व बच्चों को हर तरीके से सुविधा उपलब्ध कराने, पौष्टिक आहार समय समय देने के लिए अधिकारियों से जल्द मुलाकात कर अवगत करवाऊंगा। लुणावास खारा में ग्राम पंचायत के इलेक्शन के बाद मेरे द्वारा सरपंच प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, पटवार भवन, ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र में रहवास के लिए इनका आकस्मिक निरीक्षण किया गया तो आंगनवाड़ी केंद्र पर कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं मिला, ना ही कोई बच्चे मिले, ना किसी को सुविधा मिली, ना उनको कुछ आहार वगैरह वितरण करते हुए पाए गए, कोई भी नहीं था। और उप स्वास्थ्य केंद्र है जिसकी पूरी हालत खस्ताहाल है, पूरे उपकरण बिखरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं। यहाँ काफ़ी टाइम से NNM का पोस्ट खाली है, जिसके लिए श्रीमान ML साहब को भी निवेदन किया था, उन्होंने कहा लगा देंगे, अभी तक यहाँ पोस्टिंग की नहीं है। और ये काफ़ी टाइम से पूरा बिल्डिंग ही जर्जर हो रखी है, इसकी पंचायत मंच से निर्माण वापस रिपेयरिंग कराने का प्रयास किया जाएगा। और इस संबंध में ब्लॉक सीमा साहब को और प्रभारी महेंद्र जी सोनी को भी निवेदन किया जाएगा कि यहाँ NM की पोस्टिंग की जाए और इन पर ये जो बिल्कुल जो ये बिखरे हुए पड़े हैं और उनके उपकरण वगैरह, उनकी देखभाल के लिए किसी को कर्मचारी को भेज के करा, इस समय उनको रिपोर्ट लिख के भेज जाएगी। मैं कोई आया हटे आंगनबाड़ी से, मैंने उनमें कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बच्चा नहीं है और सब और व्यवस्था हुई है, कोई काम काज नहीं है और सब टूटा फूटा पड़िया है, बच्चा भी कोई है नहीं। और ये डॉक्टर का जो हॉस्पिटल है इसमें भी सब सामान बिखरा हुआ पड़ा है, दरवाजे टूटे हुए पड़े हैं, काम कोई हो नहीं रहा है। जोधपुर के बालेसर कस्बे के कुई इंदा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मगरास कटारिया ने कनिष्ठ सहायक पद पर पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उनके पिता संगाराम धीरापुरा, सरपंच गोविंद राम कुई इंदा, सरपंच तिलोक सिंह इंदा, युवा नेता मांगीलाल परिहार, कुई जोधा सरपंच प्रतिनिधि जुक्ताराम बामणिया, कुई जोधा पूर्व सरपंच सुखाराम पालीवाल, प्रधानाचार्य सुनीता वर्गी, व्याख्याता मोहम्मद अक्रम, व्याख्याता गौतम मेघवाल, अध्यापक कमल कटारिया, सुरेश कुमार, दिनेश कटारिया व समस्त विद्यालय परिवार इत्यादि मौजूद रहे। अब खबर देसुरी से, जहां मेरा मान आपका सम्मान देसुरी थाने में ऑपरेशन आवास के तहत महिला जन जागरूकता अभियान शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में आशा सहयोगिनी व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला जागरूकता का बड़ा संदेश राजपुरोहित देसुरी पुलिस थाने में मेरा मान आपका सम्मान के तहत जिला पुलिस प्रशासन, पुलिस विभाग व महिला एवं अधिकारिता विभाग पाली की ओर से संयुक्त अभियान ऑपरेशन आवास के तहत महिला जन जागरूकता अभियान के शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में देसुरी विकास अधिकारी नारायण सिंह राजपुरोहित ने संबोधित करते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में आशा सहयोगिनी व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला जागरूकता का बड़ा संदेश। सहायक पुलिस अधीक्षक वाली हिमांशु जांगीर ने शिविर में जानकारी देते हुए बताया कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे भारत में 26 अक्टूबर से लागू किया गया है। महिलाओं का कार्यालय पेट लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2000 जैसी कई कानूनी जानकारी दी। शिविर महिलाओं के अधिकार को लेकर समाज महिला संरक्षण प्रदान करे, महिला घरेलू हिंसा बचाए, महिला उत्पीड़न को लेकर जैसी अनेक जानकारी दी। आयोजन में देसुरी सिविल न्यायाधीश पीयूष जैलिया, सहायक पुलिस अधीक्षक बाली हिमांशु जागीर, विकास अधिकारी नारायण सिंह राजपुरोहित, थाना प्रभारी सुरेश चौधरी,
ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी राजेश राठौर, महिला एवं अधिकारिता विभाग पाली की सुपरवाइजर कल्पना चरिता, प्रदेश महिला पीसीसी सचिव डिंपल राठौर, देसुरी सरपंच केसाराम भील, ग्राम विकास अधिकारी घीसाराम जाट, उप सरपंच भवानी सिंह राठौर, उपखंड क्षेत्र के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम साथिन रही मौजूद। ऑपरेशन आवास उपरांत महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता के संबंध में देसुरी कस्बा में एक रैली निकाली गई, जिसमें बालिकाओं ने महिला जागरूकता एवं सशक्तिकरण से संबंधित स्लोगन लिखी तख्तियां अपने हाथों में पकड़ रखी थी। DYSP व विकास अधिकारी व थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को COVID-19 जन जागरूकता अभियान के तहत मुख्य बस स्टैंड पर बांटे मास्क, साथ में दी जानकारी। देसुरी थाना प्रभारी सुरेश चौधरी ने ऑपरेशन आवास के तहत महिला को टेम्पलेट बांटे। अब खबर श्रीगंगानगर के शिवपुरा कस्सी से। ग्राम पंचायत शिवपुरा तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की लाइनों के लिए लगाए गए कनेक्शन बॉक्स खुले पड़े हैं। यही नहीं, इन बॉक्स के दरवाजे भी चोरी हो गए हैं, ताले पहले से ही गायब हैं। बता दें कि जब एक्सचेंज से टेलीफोन लाइन आती है तो किसी एक स्थान पर लाइन वितरित करने के लिए एक DP बॉक्स लगाया जाता है। उसके बाद उपभोक्ताओं को लाइन दी जाती है। लाइन में कोई भी खराबी आने पर लाइनमैन इसी बॉक्स से फॉल्ट दूर करता है। शिवपुरा कस्ती बाजार में भी एक कनेक्शन बॉक्स DP लगा हुआ है, जिससे लाइन छावनी तथा ग्रामीण क्षेत्र को जाती है। कनेक्शन बॉक्स खुला होने से दूरसंचार विभाग के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी शख्स इसका दुरुपयोग कर किसी भी लाइन से कॉल कर सकता है तथा उसका बिल संबंधित उपभोक्ता को आएगा। उपभोक्ताओं ने बहुत बार दूरसंचार विभाग को DP पर दरवाज़ा तथा ताला लगाने की गुहार लगाई, लेकिन अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए पड़े हैं तथा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। इससे कभी भी कोई बड़ी दिक्कत आ सकती है। वो BSNL के उपभोक्ता हैं मुकेश कुमार जी, ये बताएंगे कि इनको क्या दिक्कत आ रही है जी। BSNL से काफ़ी तंग है जी, BSNL के लाइन बिल्कुल ठप रहती है ना, तो इनका कोई कार्यवाही चलती है ना। पहले तो इनके बॉक्सेस के गेट ताले गायब होने लगे, फिर इनके गेट गायब होने लगे, अब DP बॉक्सेस ही गायब है और तारों के हालात ये है कि अगर इनके अंदर किसी प्रकार का अर्थ या करंट आ जाए तो बच्चों को नुकसान भी हो सकता है, आने जाने वाले व्यक्तियों को भी नुकसान हो सकता है, और ऊपर से BSNL लाइन सदा ही ठप रही है, ना इसके अंदर सेवा के अंदर कोई सुधार किया गया और ना वो करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप कनेक्शन कटवाओगे अभी? बिल्कुल सर, कनेक्शन कटवाना छोड़, मैं ये राय दूंगा हर बंदे का भी BSNL कनेक्शन। अब खबर 12 के छिपाबड़ौत से। छिपाबड़ौत कस्बे में शुद्ध का युद्ध अभियान के तहत सैंपल लेने गई टीम के साथ अभद्रता करने वाले दो व्यापारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि 31 अक्टूबर को तहसीलदार छिपाबड़ौत समेत खाद्य सुरक्षा अधिकारी 12 अपनी टीम के साथ कस्बे के हॉट चौक स्थित बालाजी प्रोविजन स्टोर पर पहुंचे, जहां नमूना सैंपल के लिए दुकान मालिक से सामान बाहर निकालने के लिए कहा गया, जिससे नाराज होकर विक्रेता त्रिदेव गोयल और उसके भाई दीपक गोयल द्वारा टीम के साथ अभद्रता की। वहीं पूरी दुकान का सामान इधर उधर फेंकना शुरू किया, साथ ही टीम के साथ धक्का मुक्की करते हुए दुकान में आग लगाने की धमकी देने लगे। इस पर खास सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार बारा द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया तथा गौरतलब है कि आरोपी दीपक गोयल के खिलाफ पूर्व में भी छिपाबड़ौत थाना हाजा पर राजकार्य बाधा प्रकरण दर्ज है। अब खबर 12 के कवाई कस्बे से। कवाई कस्बे के गड़ी चौक स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सोमवार को आंगनवाड़ी के परियोजना अधिकारी की टीम ने पहुंचकर वार्ड पंच, सरपंच व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच चल रही शिकायतों पर चर्चा कर आपसी समझाइश करवाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के घड़ी चौक स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सोमवार को एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे आंगनवाड़ी परियोजना अधिकारी मोहिनी पाठक ने बताया कि कवाई कस्बे में 5 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है, जिनके कार्यकर्ताओं व वार्ड पंचों की एक दूसरे के बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में उपस्थित सभी वार्ड पंचों से उनकी समस्या व शिकायत को जानकर मौके पर उनका निस्तारण करवाया गया। वहीं कार्यकर्ताओं द्वारा मिल रही शिकायतों पर भी आपसे समझाइश करवाई गई। वार्ड पंचों द्वारा पोषाहार को लेकर शिकायत की गई थी, उनके वार्ड में कई बच्चों को पोषाहार नहीं मिल पा रहा है, जिस पर स्पष्टीकरण देते हुए कार्यकर्ताओं ने बताया
कि उनके केंद्र पर जितने बच्चों का नाम लिखा हुआ है उतने बच्चों को हर माह पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में सर्वे कर नए नाम जोड़े गए लेकिन उन्हें कोठा पुराने पंजीकृत बच्चों का ही मिल रहा है। ऐसे में वे उन्हें ही पोषाहार दे रही हैं, जिस पर परियोजना अधिकारी ने उन्हें आदेशित किया गया कि वह जुड़े हुए लाभार्थी बच्चों में से सक्षम परिवार के बच्चों के नाम हटाकर गरीब तबके के परिवार के बच्चों के नाम जोड़कर उन्हें पोषाहार का लाभ दिया जाए। वहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा भी आरोप लगाया गया कि उनके केंद्र पर महिला वार्ड पंचों के पति पहुंचकर उन्हें पोषाहार नहीं बांटने का आरोप लगाकर परेशान करते हैं, जिस बात को लेकर परियोजना अधिकारी ने स्थानीय सरपंच को अवगत कराया कि केंद्र पर वार्ड पंच की हैसियत से उस वार्ड का स्वयं वार्ड पंच ही उपस्थित हो, उनके परिजन नहीं। महिला वार्ड पंचों को ही केंद्र पर भेजने के लिए आग्रह किया। कस्बे में कुल 7 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में 5 केंद्र क्रियाशील है। वही केंद्र संख्या 6 व 7 स्वीकृति के बाद से ही विवाद की स्थिति में होने पर निष्क्रिय चल रहे हैं। आंगनवाड़ी परियोजना अधिकारी मोहिनी पाठक ने बताया कि कस्बे के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 6 व 7 की स्वीकृति के बाद पद चयन की प्रक्रिया में कार्यकर्ता के पद को लेकर विवादास्पद स्थिति होने से इन दोनों केंद्रों को अक्रियाशील कर दिया गया। सोमवार को हुई बैठक के दौरान दोनों एक क्रियाशील केंद्रों के अंतर्गत आने वाले कस्बे के वार्ड 14 व वार्ड 12 के वार्ड पंचों ने दोनों केंद्रों की क्रियाशीलता पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन दोनों वालों में मजदूरों के वर्ग के लोग निवास करते हैं, केंद्रीय क्रियाशील होने के कारण उनके बच्चों को पोषाहार का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते वहां के बच्चे कुपोषण का शिकार होंगे। कोविड के चलते सूखा पोषाहार मिलने से केंद्र पर बड़े लाभार्थियों की संख्या सोमवार को वार्ड पंच व कार्यकर्ताओं की समस्याओं से रूबरू होने पहुंची। आंगनवाड़ी परियोजना अधिकारी मोहिनी पाठक ने बताया कि गोविंद के चलते जब से सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर सूखा पोषाहार दाल एवं गेहूँ वितरण करना शुरू किया है, तब से केंद्रों पर लाभार्थियों की संख्या 2 गुनी से भी अधिक हो गई है। बढ़ी हुए लाभान्वितों की सूची हमने जयपुर भेज दी है, जब भी बढ़ी हुई लाभान्वित संख्या के अनुसार कोटा उपलब्ध होगा तब सभी लाभान्वितों को पोषाहार उपलब्ध हो पाएगा। हमने सभी कार्यकर्ताओं को आदेशित किया हुआ है कि जरूरतमंद को पोषाहार जरूर मिले, सक्षम को बाद में दें। मैडम, आज जो कवाई में आपने मीटिंग का आयोजन रखा है क्या था, थोड़ा सा बताएंगे? यहाँ पे अपने कवाई में 5 आंगनबाड़ी केंद्र और इन कार्यकर्ताओं की शिकायत थी कि भई हमें यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा परेशान किया जाता है। हम पोषाहार वितरण कर रहे हैं फिर भी परेशान किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे ना जो एक्चुअली स्थिति में मैं यहाँ जांच करने आई थी, सरपंच साहब को भी बुलाया, सभी वार्ड पंचों को भी बुलाया, सभी कार्यकर्ताओं को भी बुलाया और सबसे आपसी इनकी समस्याएं सुनी। और समस्या ये थी कि भाई है ना, जो पोषाहार अब हमारे इसमें ICDS में ऑनलाइन सिस्टम में जितने भी लाभान्वितों को पोषाहार दिया जाता है वो उनकी फ़ोटो सहित हम मोबाइल नंबर सहित हम है ना जो वेरिफिकेशन करते हैं। अब समस्या ये आ रही कि पहले तो पोषाहार अलग दिया जाता था और अभी COVID-19 में ना सूखा पोषाहार दिया जाता है, दाल और गेहूँ जब से वितरण हो रहा है अप्रैल मई से, जब से ही हमारे है ना दुगने से भी ज्यादा लाभान्वित हो गए, जबकि पोषाहार पुराने लाभान्वितों के। अब खबर लौसल से। लौसल कस्बे के श्रीराम गौशाला में भाजपा जिला मंत्री व सरदार पटेल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर अरविंद भूकर ने अपना जन्म दिवस गोवंश को गुड व हरा चारा खिलाकर मनाया और गौमाता का आशीर्वाद लिया। डॉक्टर भूकर ने बताया कि अपने जीवन में आने वाले खुशियों के अवसरों पर फिजूल खर्ची न करके देश सेवा, गोमाता की सेवा सहित गरीब व जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से पुण्य के साथ साथ आनंद भी मिलता है। कोरोना काल में घर पर रहकर बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसके बाद ही सबसे पहले बेटे के जन्मदिवस पर गौशाला में गोसावाणी का आयोजन किया था और अभी खुद के जन्मदिवस को भी गौशाला में मनाया। इस अवसर पर गोविंदाराम बिजारनिया, बंशीधर शर्मा, सत्यनारायण कालिका बिहार हरिपुरा, मूलचंद कालिका, सुमित्रा एजुकेशन ग्रुप चेयरमैन के रणवीर सिंह बिजारनिया, व्यापार मंडल अध्यक्ष सुरेश शेमशा आदि लोग मौजूद रहे। सबसे पहले आप साहब जन्मदिन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। धन्यवाद आपको। जिस तरह से श्रीराम गौशाला समिति में आपने यहाँ जो गौशाला का परिसर है आज अपने जन्मदिन पर गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाया,
ये लोसल की परंपरा रही है, लोसल के जो भी शिक्षण संस्थान के चाहे डायरेक्टर हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे अन्य जो भी भामाशाह हो, लोसल में सबसे पहले अपने जन्मदिन या जो भी शादी की सालगिरह आती है यहाँ पे इस गौशाला में आकर ये पुण्य का काम करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस तरह आपने एक बहुत ही अच्छा पुण्य का कार्य किया? हाँ, मैं सभी लोगों को यह संदेश देना चाहूँगा कि विशेष कर ये जो कोरोना काल है इसके अंदर कुछ लोगों को लॉकडाउन में सोचने का मौका मिला। देश सेवा में, गायों की सेवा में या अन्य सेवाएं करने के लिए लोगों ने अपने विचारों में इसको लिया और मैंने उसके ये सोचने के बाद मैंने सबसे पहले मेरे बेटे का जून में बर्थडे था तभी मैंने इसी गौशाला में यहाँ स्वामनी करके गायों को जो है चारा वगैरह खल वगैह खिलाई तो मेरे को बड़ा सुकून मिला और आनंद की अनुभूति हुई। तो मैंने उसी वक्त ये सोच लिया था कि आज के बाद जब भी बर्थडे हो, मेरा हो, बेटे का हो, तो मैं गायों की सेवा या पशुओं की सेवा करके ही अपना बर्थडे मनाऊंगा। और मैं सभी को यही संदेश देना चाहूंगा कि ऐसे कार्य, पुनीत कार्य करके और सभी अपने आप को इस सेवा में समर्पित करें क्योंकि गोवंश जो है वो बहुत पुरातत्व समय से ही इसकी पूजा की जाती है क्योंकि इसके इसका गुत्तर देख लो, चाहे इसका दूध देख लो, सभी जो हैं अपने पौष्टिक हैं और शरीर को या मेडिसिन में हमेशा काम आता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए पेड़ों की सेवा करना, गायों की सेवा करना बड़ा सुकून मिलता है। सबको ये मैं पुनः संदेश देना चाहूँगा, ऐसी सेवाएँ या ऐसे कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल के लिए स्टेट न्यूज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।